तो ये जो निषादराज घाट अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसका नाम जो है निषादराज, जो केवट थे जिन्होंने प्रभु श्री राम को नौका में बिठाकर पार कराई थी गंगा, वो था ना, आपने सुना भी होगा वो भजन कि जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, तो उन निषादराज के ऊपर इस घाट का नाम रखा गया है निषादराज घाट। और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो बोट चलाने वाले हैं, जो मल्लाह हैं सारे, वो लोग यहीं पर निवास करते हैं। इस घाट के पीछे की तरफ उनके घर हैं और यहाँ पर निषादराज जी का एक मंदिर भी है। तो चलिए चलते हैं वहीं पर, देखते हैं कैसा है वो मंदिर। उसके लिए हमें ये सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। सीढ़ियाँ जहाँ पे समाप्त होती है यहीं पर है निषादराज जी का मंदिर। आइए ये देखिए, ये है निषादराज जी का मंदिर और देख सकते हैं आप उनकी प्रतिमा। और आगे बस्ती है, यहाँ पे जो मल्लाह हैं जो बोटिंग करवाते हैं उनके सभी के घर हैं ये। ये देखिए थोड़ा आगे चल के देखते हैं, एक और मंदिर है यहाँ पर जो इनकी कुल देवी फूलमती माता है उनका है। जय माता दी। हम लोग पूजा करते हैं सुबह सुबह। हाँ। और शाम को? शाम को नहीं करते हैं। आपका नाम? वासु सहानी। वासु। ओके, स्कूल जाते हो आप? नहीं। बिल्कुल नहीं गए? नहीं। जाना चाहिए। मंदिर में एक मैम आती है, वो पढ़ाती है। अच्छा अच्छा, तो क्या आता है आपको? ABCD 1 2 3 4 आता है? हाँ। बोल के बताओ। अभी नहीं ना। अभी नहीं, छुट्टी है। आपको आती है ABCD? आपको भी नहीं आती है। चलो थैंक यू बेटा। ये देखिए वहाँ भी है गली, यहाँ भी है गली, इस तरीके से। तो निषादराज जी के भी दर्शन हो गए, फूल देवी माता है उनके भी दर्शन हो गए। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, वापस घाट की तरफ। घाट वॉक करते हुए चलते हैं हम अगले घाट की तरफ। बीसवीं सदी के प्रारंभ के अंदर ये जो निषाद घाट है, यह प्रभु घाट का ही हिस्सा हुआ करता था और मुख्य रूप से जो निषाद जाति है उनका निवास स्थान यहाँ पर है, इसीलिए यह निषादराज घाट कहलाता है। निषादराज घाट के आगे है पंचकोट घाट, यहाँ भी पतंगबाजी का आनंद लेते हुए बच्चे। ये देखिए ये है पंचकोट घाट और ये कट चुकी पतंग को इस बच्चे ने लूट लिया है। पंचकोट घाट का नाम पंचकोट घाट इसलिए पड़ा है क्योंकि 19वीं सदी के अंत के अंदर जो बंगाल की एक रियासत थी पंचकोट, उसके राजा ने इस घाट का निर्माण करवाया था। पंचकोट के राजा ने इस घाट के ऊपर एक हवेली का निर्माण करवाया था और साथ ही निर्माण करवाया था एक उद्यान का, जिसके अंदर भगवान शिव और काली माता के मंदिर भी है। ये देखिए ये है वो हवेली, देख सकते हैं आप। तो अब पंचकोट घाट से चलते हैं आगे की तरफ। तो वहां है निषादराज घाट, यहाँ है पंचकोट घाट और इस तरफ आप देख सकते हैं प्रभु घाट। तो जैसा मैंने आपको बताया, निषादराज घाट जो प्रभु घाट का ही पुराना हिस्सा हुआ करता था, तो जाहिर सी बात है यह पंचकोट घाट भी पहले प्रभु घाट का ही हिस्सा हुआ करता था, बाद में ये दोनों घाट बने हैं। तो चलिए देखते हैं प्रभु घाट को भी। और ये देखिए आप प्रभु घाट की दीवार पर बनी हुई है खूबसूरत पेंटिंग्स, देख सकते हैं आप। नमामि गंगे भी लिखा हुआ है, जो गंगा का स्वच्छता अभियान है, नमामि गंगे के नाम से जाना जाता है। पास से देखिए आप इन पेंटिंग्स को। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं लाइट्स लगी हुई है, जैसे ही शाम होगी ये प्रज्वलित हो जाएंगी और उसके बाद में जो सारे घाट हैं उनका नज़ारा ही, दृश्य जो है वो चेंज हो जाएगा। जगमगाते हुए घाट बहुत अच्छे लगते हैं, वो नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊंगा।
ये देखिए आप कितनी खूबसूरत वॉल पेंटिंग है ये, भगवान शिव और नंदी, और पीछे बनारस के मंदिर। और यहाँ आप देखिए इस घाट को, इसकी दीवार को आप देख सकते हैं, यह काफ़ी पुरानी है और काली पड़ चुकी है। तो इससे ही पता लगता है कि जब बारिश का समय होता है तो गंगा जी का जो जल स्तर है कितना ऊंचा हो जाता है। ये देखिए कोहरा छटने के बाद में नजारा ऐसा है। तो यहाँ के जो घाट हैं इनका नजारा बोट से कैसा लगता है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं करूंगा बोटिंग, और वो होगी शाम को जब मैं आपको बोट से लेके जाऊंगा दशाश्वमेध घाट तक, जहां पर होती है गंगा आरती। जी हाँ, प्रसिद्ध गंगा आरती अभी भी वहां पर होती है। 80 घाट पर जो आरती हुआ करती है वह कोरोना की वजह से अभी बंद कर दी गई है, और जो सुबह वाला कार्यक्रम होता था सुबह बनारस वो भी अभी नहीं हो रहा है। खैर, नेक्स्ट टाइम आऊँगा तब हो सकता है तब तक शुरू हो जाए। और यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे तोते, उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही है और आप देख भी सकते हैं। और वहां से जो आप ये घाट देख रहे हैं यह कहलाता है चेत सिंह घाट। जी हाँ, प्रभु घाट के आगे है चेत सिंह घाट, और ये एक महल जैसा ही बना हुआ है। क्यों है ऐसा यह भी आपको बताऊंगा अभी। और यहां द्वार पर लगा है ताला, ये देखिए। इसका रास्ता शायद उस तरफ से भी है। यहां पर भाई साहब बजा रहे हैं बांसुरी। द्वार बंद होने की वजह से हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं इसके, लेकिन बाहर से तो आपको दिखा ही सकता हूं कैसा है यह चेत सिंह घाट। और चेत सिंह घाट के यहीं पर निरंजनी घाट के शुरुआत में ही है ये स्वयंभू प्रकट सुप्त हनुमान जी का मंदिर। पहले ये भी देखते हैं और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ चेत सिंह घाट के बारे में। ये देखिए सोए हुए लेटे हुए हनुमान जी हैं यहाँ पर। जय बजरंग बली। तो मेरे पीछे जो आप ये चेत सिंह घाट देख रहे हैं, जो महल के समान बना हुआ, एक छोटे किले के समान बना हुआ है, इसका नाम जो यह बनारस रियासत थी उसके राजा चेत सिंह के नाम पर रखा गया था। चेत सिंह जो थे बनारस रियासत के जो पहले राजा थे बलवंत सिंह जी, उनके नाजायज बेटे थे। उन्होंने विरासत को प्राप्त करने के लिए बलवंत सिंह जी के जो भतीजे थे महीप सिंह, उनके साथ में लड़ाई की थी और उनसे ये विरासत के रूप में प्राप्त किया था। चेत सिंह की उस टाइम के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ में कई राजनीतिक झड़पें भी हुई थी, और 1781 के अंदर वॉरेन हेस्टिंग्स ने यहाँ पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेनाएं भेज दी थी। और खास बात यह है कि जो सेनाएं हैं वो यहाँ पर बाहर लड़ती रही थी, और चेत सिंह वो यहाँ किले से निकलने में सफल हो गए थे। तो उन्हीं के नाम पर है ये चेत सिंह घाट। ये जो आप देख रहे हैं निरंजनी घाट, जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है यह निरंजनी घाट जो है, निरंजनी जो अखाड़ा है उसके जो साधु संत है उनका घाट है। पीछे की तरफ उनके आश्रम है। निरंजनी घाट के बिल्कुल आगे है महानिर्वाणी घाट, और वह इस तरीके का दिखाई देता है। आप देखिए यहाँ सामने दीवार के ऊपर सागर मंथन का जो दृश्य है, जो प्रसंग है, और यहाँ आप देख सकते हैं इस तरफ हैं देवता और इस तरफ है असुर, और वहाँ पे है भगवान शिव इस सागर मंथन के बाद में जो हलाहल विष निकला था उसका पान करते हुए। और यहाँ पर है ये 5 काले शिवलिंग, आप देख सकते हैं काले पत्थर से निर्मित। 6 है ये एक्चुअली। एक छोटा सा शिवलिंग यहाँ भी है जो मुझे पहले नहीं दिखा था। और यहाँ पे वो प्रसंग है जिसके अंदर केवट ने प्रभु श्री राम के चरण धोए थे नाव में बैठाने से पहले, ये देख सकते हैं आप। महानिर्वाणी घाट से आगे है शिवाला घाट। आइए चलते हैं इस तरफ, यहां भी पतंगबाजी हो रही है। ये देखिए वहां है चेत सिंह घाट,
तो ये है शिवाला घाट और यहाँ बना हुआ ये मंदिर देख सकते हैं आप। और यहाँ है एक बरगद का पेड़ और ये नीम का पेड़ भी है साथ में। तो ये जो शिवाला घाट है इस पे मैं आपको एक खास चीज दिखाना चाहूंगा। ये देखिए वहां दीवार पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं 1978 और एक काली लाइन बनी हुई है। ये काली लाइन बनी हुई होने का कारण ये है कि 1978 के अंदर यहाँ गंगा मैया के अंदर जल स्तर जो है वहां तक हो गया था, लोगों के घरों के अंदर पानी चला गया था। लेकिन खास बात यह है कि यह जो त्रासदी है सिर्फ एक दिन की ही रही थी। एक दिन के बाद में गंगा जी का जो जल स्तर है वह नीचा हो गया था। ये जो शिवाला घाट है इसके ऊपर अब यहाँ पर एक होटल बना दिया गया है। ये आप देखिए यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है। ये देखिए शिवाला घाट के ऊपर ऐसे संस्कार भी किए जाते हैं। अब शिवाला घाट के बाद में हम बढ़ते हैं अगले घाट की तरफ। तो वहाँ पे है शिवाला घाट और उसके जस्ट आगे आप यहाँ देख सकते हैं गुलरिया घाट है। गुलरिया घाट का नाम गुलरिया क्यों पड़ा है वो भी आपको बताता हूँ। उससे पहले आप वो पेड़ देखिए, देख रहे हैं आप, वो है गुलर का पेड़। तो इस गुलर के पेड़ के कारण ही इस घाट का नाम पड़ा गुलरिया घाट। और 20वीं सदी के अंदर यहाँ के जो एक व्यापारी थे वाराणसी के लल्लू जी अग्रवाल, उन्होंने इस घाट का निर्माण करवाया था। आइए इस तरफ चलते हैं। तो गुलरिया घाट के बाद में नेक्स्ट जो घाट है यह कहलाता है दंडी घाट। ये देखिए आप, यहाँ पर है एक मंदिर और साथ में है एक व्यायामशाला। गुलरिया घाट की तरह ही दंडी घाट का पुनर्निर्माण करवाया था बनारस के ही एक जो व्यापारी थे लल्लू जी अग्रवाल, उन्होंने 20वीं सदी के अंदर। तो अब यहाँ पे जो मंदिर बना हुआ है वह पास चलकर देखते हैं। खाने के बाद में गंदगी फैला दी गई है, जबकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कचरा पात्र, उसके अंदर इन्हें डाला जा सकता था, लेकिन गैर जिम्मेदार लोग जो हैं ऐसा करके चले जाते हैं। तो ये है दंडी घाट पे स्थित दंडेश्वर महादेव का मंदिर। ये देखिए आप, तांबे का शिवलिंग है यहां पर। और यहां पे शिव परिवार का चित्र है, लेकिन यहाँ पे भगवान शिव की जो पुत्री है अशोक सुंदरी वो नहीं है, इनके दोनों पुत्र हैं माता पार्वती के साथ में। तो अब दंडेश्वर महादेव मंदिर से चलते हैं यहाँ जो व्यायामशाला है उसकी तरफ। और इस तरफ से रास्ता है गुलरिया घाट पे बने हुए इस कैफे का भी, एवरेस्ट कैफे। ये देखिए कितना पुराना भवन है ये, और ये गली लेके जाएगी हमें व्यायामशाला की तरफ। और ये रही व्यायामशाला, ये है श्री हनुमान जी व्यायामशाला। आइए चलते हैं व्यायामशाला के अंदर। तो आ चुका हूं मैं हमारे इस देसी जिम के अंदर जिसे कहा जाता है अखाड़ा, और इसमें कैसे होता है व्यायाम, कैसे होती है वर्जिश, अभी आपको दिखाता हूं। नॉर्मल जिम में आप देखते हैं आपको डंबल्स दिखाई देते हैं, लेकिन यहां इस अखाड़े में देखिए आप, हनुमान जी की गदा जैसे ही है ये। और ये देखिए देसी व्यायाम किया जा रहा है। ये देखिए इनको कहते हैं मुग्धर, और इन्हें घुमाना इतना आसान नहीं होता है। और यहाँ पे है बजरंगबली, इन्हीं का ध्यान करके जो व्यायाम शुरू किया जाता है। और इसके अंदर होता है
कुश्ती का मैच। आ गया हूं मैं अखाड़े से बाहर और बढ़ता हूं अगले घाट की तरफ। ये है वो गुलर का पेड़ जिसके कारण गुलरिया घाट का नाम पड़ा। और दंडी घाट की सीढ़ियां उतर रहा हूं मैं अब। और दंडी घाट के आगे है ये हनुमान घाट। ये देखिए हनुमान घाट है कुछ ऐसा। और यहाँ पे इन संगीतकारों की टोली का चित्रण किया गया है। ये देखिए हनुमान घाट पर और इस तरफ बनाया गया है हनुमान जी का चित्र ध्यान मुद्रा के अंदर। तो ये जो हनुमान घाट आपने अभी देखा है यह मूल रूप से पहले कहलाता था रामेश्वर घाट, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अपनी काशी यात्रा के समय में भगवान राम ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। बाद में तुलसीदास जी ने यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया था, इस वजह से इसका नाम पड़ गया था हनुमान घाट। 16वीं सदी के अंदर यह स्थान, यह जो हनुमान घाट है, जो महान दार्शनिक थे वल्लभाचार्य, यह उनकी समाधि स्थली हुआ करता था। और 17वीं सदी के अंदर यह जो वैष्णव संप्रदाय है सनातन धर्म का, यह उसका एक महत्वपूर्ण स्थल हुआ करता था। चलिए अब जरा हनुमान घाट के हनुमान मंदिर के भी दर्शन कर लिए जाएं। उसके लिए हमें इस रास्ते से आगे जाना होगा। तो चले चलते हैं, बड़े चलते हैं। बनारस के घाट घूमने के दौरान मैंने बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ी है, बहुत सारी सीढ़ियां उतरा हूं, और अभी तो यह क्रम चलता रहेगा क्योंकि बहुत सारे घाट बाकी हैं। तो ये जो हनुमान घाट का हनुमान मोहल्ला है, इसमें मुख्य रूप से निवास करते हैं दक्षिण भारतीय, और जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य है उनका मंदिर भी इसी मोहल्ले के अंदर स्थित है। जो दशनामी अखाड़ा है उसके जो साधु संत हैं वो कुंभ के मेले में स्नान करने के बाद में यहाँ जो शंकराचार्य जी का मंदिर है उसमें दर्शन जरूर करते हैं। ये देखिए साउथ इंडियन स्टाइल के यहाँ पे बने हुए भवन मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं रंग बिरंगा सुंदर भवन, इसी के अंदर है हनुमान जी का मंदिर। यहाँ अंदर प्रविष्ट होते ही सबसे पहले दिखाई देता है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। ये देखिए आप, जय हो प्रभु। और इस तरफ आप देख सकते हैं भगवान शिव का शिवलिंग है, और भी प्रतिमाएं हैं, शायद यह है शनि देव की मुझे लग रही है, ऐसा होता है अक्सर काले पत्थर से निर्मित प्रतिमा। हनुमान जी के दर्शन में आपको इसलिए अभी नहीं करवा पाया क्योंकि अभी पट बंद है और पट खुलने में अभी काफी समय है। बाकी मैंने अभी आपको अंदर जो एक अश्व दिखाया था, जो एक घोड़ा बना हुआ था, वह भगवान राम ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था वह उस बात का प्रतीक है, उस बात की याद दिलाता है, इसलिए यहाँ पर वह घोड़ा बनाया गया है। और बाकी मंदिर तो है, यह बहुत अच्छा है, आपने देखा है बाहर से। नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तब मैं यहाँ दर्शन करके जरूर जाऊंगा, क्योंकि अभी आगे बढ़ना होगा, देखने हैं बाकी के घाट कौन कौन से हैं। तो ये जो हनुमान जी का मंदिर है इसका पूरा दायित्व जो है ये पंचदशनामी जो जूना अखाड़ा है इन्हीं के पास है। ये देखिए इस तरह संकरी संकरी गलियों में बसा हुआ है बनारस। यह है लक्ष्मणेश्वर जी महादेव का मंदिर। आ गए हम फिर से घाट वाली एरिया के अंदर जहां बनी हुई है घाट वॉक।
हनुमान घाट के आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नाटक घाट है। इसके नाम से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि कर्नाटक राज्य की तरफ से इस घाट का निर्माण हुआ था, इसलिए यह कर्नाटक घाट कहलाता है। और कर्नाटक घाट के आगे आप ये जो घाट देख रहे हैं, यह भी बनारस के जो महत्वपूर्ण घाट है उनमें से एक है। इसका नाम है हरिश्चंद्र घाट। उससे पहले आप देखिए यहाँ कर्नाटक घाट के ऊपर ये बने हुए छोटे से मंदिर, ये देखिए काली माता का मंदिर है ये शायद। हरिश्चंद्र घाट पर मुझे दिखाई दी है भगवान शिव की ये प्रतिमा, सफेद संगमरमर से बनी हुई, ये देखिए। यहां पर भी शवों का दाह संस्कार किया जाता है हरिश्चंद्र घाट के ऊपर।